वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अमेरिका के इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है और इसकी कोई अप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। मसलन कि आप बिल्कुल आप फ्री के अंदर अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गए तो आप बिल्कुल फ्री में 100% आप फ्री में पढ़ेंगे। जैसे कि आप साइट पे देख सकते हैं, बरिया कॉलेज इसका नाम है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, कॉलेज अ कॉलेज लाइक नो अदर। बरिया कॉलेज इज़ नॉट लाइक अदर कॉलेजेस। इट वाज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड को एजुकेशनल कॉलेज इन द साउथ एंड इट हैज़ नो चार्ज स्टूडेंट ट्यूशन सिंस 1892। इसका मतलब है तकरीबन इसको 130 साल हो गए हैं ये कॉलेज किसी स्टूडेंट से कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। अभी आप नीचे भी इसके देख लें, लिखा है नो ट्यूशन नो किडिंग। द अमाउंट एवरी इनरोल्ड स्टूडेंट पेज इन ट्यूशन। अच्छा, अभी आप ये देख लें सारा। इसके भी मैं आपको कोर्सेज दिखा देता हूँ कि कौन से इसके कोर्सेज हैं, किसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ये देख लें, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स, इसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन स्टडीज़ है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद बायोलॉजी है, एशियन स्टडी है, आर्ट है, कम्युनिकेशन है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है। बेशुमार इसके अंदर प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है और एडमिशन कैसे लेना है। इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अप्लाई लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इन्होंने इसकी डेट बताई हुई है, इसकी डेडलाइन 15 जनवरी है। अभी इसके बाद अभी आपके पास 10-15 दिन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई करने का क्या तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर है कि सबसे पहले तो आपने अपनी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल कर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप आराम से यहाँ से फिल कर सकते हैं यहाँ से जाके। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो इसका है कि जी पर्सनल आपने कैसे लिखना है, 2 to 5 पेजेस वो ऐसे हो, उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको उन्होंने बताई हुई हैं वो आपने उनको बतानी है। ओवरव्यू ऑफ योर एजुकेशनल एंड लाइफ एक्सपीरियंसिस, व्हाट यू प्लान टू डू आफ्टर कम्प्लीटिंग योर एजुकेशन, वाई यू विश टू रिटर्न और नॉट रिटर्न टू योर होम कंट्री। ये आप चीज़ें सारी पढ़ लें जो उन्होंने लिखी हुई हैं, इस तरह करके आप इसको सारा पढ़ें। कॉपी ऑफ ऑफिशियल सेकेंडरी स्कूल रिकॉर्ड्स आपने, वो तो आपको पता है कि ओ लेवल और ए लेवल या फिर आपके FSC वगैरह का आपने इनको रिकॉर्ड देना है। ये बैचलर लेवल की स्कॉलरशिप है। उसके बाद वन टीचर रिकमेंडेशन फॉर्म आपको चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स रिकमेंडेशन फॉर्म आपको चाहिए। जब वो आपके पर्सनल और फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में लिखेगा कि इनके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या इसके, वो इस तरह करके वो लिखेगा। आपका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं वो होना चाहिए। अच्छा, नीचे फिर उन्होंने बताया हुआ है ऑफिशियल टेस्ट स्कोर जो है वो इंग्लिश का इन्होंने मांगा हुआ है कि इंग्लिश का आपका IELTS हो, TOEFL हो, या आपके पास SAT हो, या आपके पास ACT हो। नीचे उन्होंने ACT का स्कोर लिखा हुआ है, SAT का लिखा हुआ है 980, उसके बाद TOEFL का लिखा हुआ है, उसके बाद IBT का लिखा हुआ है, ये सारे टेस्ट हैं। उसके बाद डोलिंगो भी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि इसके अंदर 95 आपका चल जाएगा। IELTS के आपके अंदर 6 होना चाहिए। अभी इन्होंने नॉर्मली उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फाइनेंशियल क्वेश्चन जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो उन्होंने नीचे लिखे हुए हैं। आप इसको वन बाई वन जाके देख सकते हैं कि ये क्या लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर में लिखा हुआ एप्लीकेशन डेडलाइन है वो आप देख लें, इसकी 15 जनवरी एप्लीकेशन डेडलाइन है। अभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते, अगर किसी के पास TOEFL IELTS है तो इसके अंदर अभी अप्लाई कर दे, तो लक आजमानी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप आजमाएँ, बैचलर के स्टूडेंट लाजमी इसके अंदर अप्लाई करें। वैन डू एक्सपेक्ट, अच्छा ये बाकी जो चीज़ें हैं बाकी तो बात की हैं। पहले सबसे आप अप्लाई कर लें, जब अप्लाई आप कर लेंगे तो फिर आप मुझसे दोबारा रब्ता करेंगे। अगर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और उसका उसमें नाम आ जाए तो फिर वो मुझसे रब्ता करे, फिर मैं आपको फर्दर बता दूंगा। अभी ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है उसका आप तरीका देख लें।
ये जो मैंने अभी तो आपको ये बाकी चीज़ें बताई हैं, आप ऊपर आ जाएं जहाँ पे ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म अभी ओपन होगा, इसके ऊपर आपने सिंपली अपने आप को आप क्रिएट एन अकाउंट कर लें, इसके अंदर अप्लाई कर देना है। ये इसका तरीका है। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।